मैंने बोया का माइक मंगाया था आज, देखते हैं कैसा होता है इसका रिव्यू। ये फिलहाल इसके साथ एक ये दिया है और एक ये होगा आपके पास, और मेरे पास इसकी स्लिप पड़ी है क्योंकि इसमें प्राइस होगा, क्वांटिटी होगी, कितने रुपए की होगी, आप देख सकते हो टोटल अमाउंट कितना था। इसके बाद ऐसा कुछ दिख रहा है, बोया माइक का लुक देखो आप, वाइट कलर है और ये है। आज मैं देखता हूँ इसका कितने का है इसे। चलो गाइस खोलते हैं पहले इसे, यार इसे मैं खोल दे रहा हूँ, कैसे खोल भाई, ये मैंने इसे खोल दिया। पैकिंग तो बहुत अच्छी कर रखी है उन्होंने यार, देखते हैं कैसा क्या होता है। और इसके अंदर उन्होंने ये देख रखा पैक वाइट सा, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा होगा फिलहाल तो। चलो अमेजोन से मंगाया मैंने, उन्होंने ये एक ये दे रखा साफ़ करने के लिए। और ये है भाई, काफ़ी बड़ा है यार ये, वैसे इन्होंने ये दे रखा है देखो लगाने के लिए, इसे अलग से सेटअप करना होगा शायद। ये तुम्हारा वो होगा माइक ऑन ऑफ वाला, और काफ़ी बड़ी केबल है इसमें फ़िलहाल, बोया का है ये, वाइट कलर है इसका। और चलो देखते हैं और क्या है इसके अंदर, बैग तो काफ़ी शानदार है। एक उन्होंने ये दे रखा है, और क्या है ये, एक उन्होंने पर्ची दे रखी है बोया वाली, और एक ये देखो इसमें क्या है देखते हैं। इसमें आपका ये सारे दे रखे हैं यार, फंसाने के लिए प्लग वगैरह, एक ये दे रखा है इन्होंने, एक उन्होंने ये दे रखा है लगाने के लिए। और भाई इन्होंने एक सेल भी दे रखा है यार, इस पर सेल भी आता है देखो, वो तो पता ही नहीं था भाई ये सेल, देख रहे हो आप। फिलहाल तो क्वालिटी सही होगी, और मेरे को ये पड़ा है 499 रुपये, मतलब 800 रुपये का पड़ा है यार, क्वालिटी तो अच्छी खासी है फिलहाल, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया है। चलो जो भी वीडियो आएगी वो इसी के द्वारा आएगी, कैसी क्या साउंड है क्वालिटी है मैं आपको बता ही दूंगा। ओके चलो थैंक यू।